بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین سید الاولین والآخرین مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، فروری دس مہینے دے اندر پانچ فروری نو یوم یکجہتی کشمیر دے نام تے منایا جاندا ہے، جس دا مقصد اپنے کشمیری مسلمان بھائیاں دے نال اظہار ہمدردی ہوندا ہے۔ جتھے پہلے سی اتھے کشمیر دے اندر اس وقت تو پتہ ہے مظلوم مسلمان کٹ رہے نے، ظلم و ستم دے انہاں دے پہاڑ توڑے جا رہے نے، قید نالوں بری زندگی گزارن تے مجبور کر دیتے گئے نے، نہ دن محفوظ نے نہ رات محفوظ نے نہ عزت محفوظ ہے نہ کسی دی بہن نہ بیٹی محفوظ ہے۔ ایسی قید و بند دی او زندگی گزارن تے مجبور نے، ایسے حالات دے اندر اسلام دی نگاہ دی اندر مسلمان مظلوم ہوئے تو تمام امت مسلمات دے فرض ہے اس دی مدد کرنا، اس دا ساتھ دینا، اس دی آواز بلند کرنا۔ اور آزادی دلوان دی کوشش کرنا، یاد رکھیے اسلام نے کسی بھی موقع تے مجبور معذور مظلوم غریب
किसी भी मौके ते इन्हां नूं तनहा नहीं छड़िया बल्कि पूरी उम्मत नूं ए हुक्म दिता है कि किसी ते मुश्किल वक्त होवे कदम मिला के उहदे नाल खड़े हो जाओ। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबता हयात है। अज असी पाकिस्तान के अंदर जिंदगी गुजारने और आजाद जिंदगी गुजार रहे। याद रखिए आजादी एक बहुत बड़ी नेमत है। कुरान पाक सुनिए दरा और देखिए आजादी की कदरों कीमत इस्लाम की निगाह के अंदर और कुछ हस्तियां ऐसिया अहले इस्लाम चो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा कीतियां ने कि जिन्होंने आजादी दिलवान वास्ते अपना सब कुछ कुर्बान किया है। इस्लाम की मुहब्बत के अंदर अपने मुसलमान भाई की मुहब्बत दे तवज्जो कीजिए जरा बड़ी मुहब्बत दे नाल कुरान पाक सुनिए और देखिए कि आजादी कितनी बड़ी नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत दी। सुनिए जरा कुरान फरमाया वाइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़ार वइज़ काला इब्राहीमु रब्बी जाल हाज़ल बलदा आमिना वजनुबनी वबनिया अन्नाबुदल असनाम। तवज्जो कर दे जाना गौर कर दे जाना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक दे इस मुकाम दे अंदर फरमाया वा इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा फरमाया दुनिया वालो कायनात दे लोको फरमाया अगर कोई बंदा मैं खालिक मैं रहमान दिया नेमतां नूं शुमार करना चाहे तो शुमार नहीं कर सकता। अल्लाह पाक दिया इतनिया नेमतां ने मेरे रहमान दिया इतनिया अजीम और बड़िया बड़िया नेमतां ने अल्लाह रब्बुल इज्जत दी नेमत ए बोलना ए भी मेरे खालिक दी तरफों नेमत ए जनाब तंदरुस्त जिसम ए मेरे रहमान दी नेमत अखां दा सलामत होना ए रहमान दी नेमत तंदरुस्ती एक अजीम नेमत जनाबे वाला खुराक ए फल और जनाब सब्जियां आसमान जमीन सितारे सियारे ये सारा कुछ मेरे रहमान दिया नेमता ने मुल्के पाकिस्तान दे अंदर असी रह रहे हां आजाद रह रहे हां ये भी मेरे रहमान दी एक अजीम नेमत है। जिवें दिल करदा नमाज पढ़ने जिवें दिल करदा ओवें इबादत करने जिवें दिल करदा ओवें कारोबार करने जिवें दिल करदा अपना जनाबे वाला शबो दिन गुजारने इस मुल्के पाकिस्तान दे अंदर आजाद घूमना है जिधर दिल करदा चला जाना है ये भी ते मेरे रहमान दी नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दिया नेमता जो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया दुनिया वालो कायनात दे लोको फरमाया वा इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा
ان الانسان لظلوم کفار فرمایا ساڈیاں نعمتاں نو अगर कोई इंसान शुमार करना चाहे तो शुमार नहीं कर सकता, अगर कोई गिनना चाहे तो गिन नहीं सकता। आओ हुण मैं तमाम नेमतां चो एक नेमत का जिक्र करना है जिन्हों आजादी कहा जाता है। आजादी अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक बहुत बड़ी नेमत है, अजीम नेमत है। और मैं पूछना चाहना सोने लाहौर वाले लियो, अब बंदे कोल सारा कुछ होवे, बंदे कोल हर नेमत मौजूद होवे, पर बंदा कैद होवे, बंदा जनाबे वाला गुलाम होवे, उन्हां नेमतां दा की मजा है। आजाद होवेगा ते नेमतां चखेगा, अपनी मर्जी नाल दिन गुजारेगा। आओ कुरान पाक दे इक मुकाम दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक कौम नूं एहसान याद कराया। मेरे रहमान ने एक एहसान याद कराया है, फरमाया ओ कौम केड़ी है, हजरत जनाबे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कौम है। उन्होंने मेरे रहमान ने आख्या ओ कौमे मूसा याद करो, एक वक्त हो सी तुसी कैद सो, तुसी गुलाम सो, फिरौन दे गुलाम सो। मैं अपने नबी मूसा नू भेजिया इस मकसद वास्ते कि तुहानू आजाद करा लै, तुहानू आजादियां दिलवाए। ध्यान करिया जे, जरा गौर कर दे जाया जे, कुराने पाक दा दूसरा मुकाम सुनना जरा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत मुखातिब ने फरमाया वा इज नज्जैनाकुम मिन आलि फिरौन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़बिहून अबनाअकुम वा यस्तहयून निसाअकुम वा फी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम वा इज फरकना बिकुम البحر فألجئناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون أرمايا وإذ نجيناكم من آل فرعون اللہ فرماتے نے فرمایا ایک وقت ہو سی جدوں تواڈے تے جناب ظلم کردا سی فرعون اساں تانوں آزادیاں دلائیاں فرمایا اس وقت نو یاد کرو उस वक्त नु याद करो जदो असा तुहाडे ते एहसान कर दिता। ओए ए पता लगा ए आजादी दा होना ए भी मेरे रहमान दी तरफों एक नेमत और एक एहसान होया करदा है। और इस्लाम दा ते मिजाज ही एवें, इस्लाम ने कदम कदम ते रगबत दिलाई है आजादी दी तरफ। तुसा कहना किवें करके आओ मैं तुहानू दसा। और जानते हो अगर को बंदा झूठी कसम उठा ले, अल्लाह पाक ने कफारा रखे है सब तो पहले, अगर को बंदा ताकत रख दे ते गुलाम नू आजाद कराए, अगर को बंदा जहार कर लेंदा है, अगर जनाबे वाला कोई बंदा अपनी बीवी नू मां या भैण कह लेंदा है, फरमाया उत्थे भी गुलाम आजाद करना है। अगर को मन्नत मनदा है पूरी नहीं करदा, उत्थे भी जनाबे वाला गुलाम नू आजाद करना है। यानी कि कदम कदम ते इस्लाम ने आजादी दी तरफ रगबत दिलाई है, आजाद कराना है। पर आज जनाब दुख दी गल ए वे लाहौर वालो, मेरा पैगाम जिथों तक जा रहा है, मैं बड़ी मुहब्बत नाल गल करनी चाहना। अज दा मुसलमान अज असी अपने मुल्क पाकिस्तान दे अंदर अपनिया रंग रंगीनिया दे अंदर जिंदगी दे दिन गुजारने पै, और रब दियां कदम कदम ते ना फरमानियां करने चाहीदा ते ए सी ना कि असी रहमान दा शुक्र
अदा कर दे। इत्थे जनाब यौमे आजादी मुल्के पाकिस्तान दा दिन आ जांदा ते कंजर खाना वेड के बह जांदे आ। अगर कोई और खुशी दा मौका आ जांदा असीं कंजर खाने ला के ते बह जांदे आ। और कदम कदम ते रहमान दी नाराजगी नूं बुलाने आ, अल्लाह पाक दीआं ना फरमानियां करने आ, रब दे गैज़ो गज़ब नूं बुलाने आ, अल्लाह पाक दे गुस्से नूं बुलाने आ। ओ सोनियो ओ मज़ा ते इस गल दे अंदर ना, मेरे रहमान ने ए मुल्क अता कीता है ते बंदा आजादी दे मौके ते शुकराने दे नफल पड़े, रब दा शुक्रिया अदा करे इस आजादी दी कदर ते तां सोनिया। ओ आजादी दी कदर पुछनी आ ते उस मेरी मजलूम मां नूं पुछ लै जिहड़ी जनाबे वाला। ओ कश्मीर दे अंदर कश्मीर दिया मावां नूं पुछ ले, और जिन्ना जनाब अपनिया अखां दे सामने अपनी जवान धीआं दीआं इज्जतां नूं ताकदार हुंदिआं वेख्या है। और आजादी दी कदर पुछनी आ ते कदी उहनां नूं पुछिआ कर, और जिहड़े जनाब कश्मीर दे नौजवान ते अपनी मर्जी नालों मुसलमान इबादत वी नहीं कर सकदे। अगर किते जनाब और नमाज़े जुमा दा इहतमाम करदे ने उहनां ते आंसू गैस, अज असी ते आउंदे ही कोई नहीं, इस्लाम दे नेड़े आंदे ही कोई नहीं ना, अज असी जनाब नमाज दे नजदीक आंदे ही कोई नहीं, क्योंकि सानू ते आजादियां मिलियां ने, क्योंकि असी ते आजाद घूम रहे हां, साडी मर्जी असी जो मर्जी करिए पर असा इबादत नहीं करनी। ओ कदी उहनां नूं पुछिया करो, ओ जिहड़े तरसदे ने कि सानू रहमान दे सामने सजदा करम लज्जत मिल जाए। और जेड़े जना तुसी ते आके ते जुमा पढ़ दियो ना पे, और बड़े इत्मीनान ना पढ़ दियो पे, सुनियो कदी उहनां नूं पुछो इस आजादी दी कदर पुछो ना। जेड़े जनाब इस तरह आजाद हो के ते नमाज़े जुमा भी अदा नहीं कर सकदे, लेकिन उम्मत मुसलमान सौ गई है, उम्मत मुसलमान अपने जनाब इकना दे अंदर लगी फिर दिए, भावे को मुल्क पाकिस्तान दा मुसलमान या दुनिया दे जिस मर्जी कोने दे अंदर रह रहा है, सोणिया सब नू अपनी पै गई, कोई नहीं वेड़ा, और जिन्हां दियां इज्जतां महफूज कोई नहीं, उन्हां वास्ते आवाज बुलंद करना भी असी असी जनाब है। मौका आंदा 5 फरवरी का ते निकल लिया जनाब यौमे यक जहती है, बस जनाब इजहार कर कुर के ते अपने अपने घरां दे अंदर चले जाने आ। उधर 70-75 साल तो ओ कश्मीरी जनाब जुलम बर्दाश्त करदे ने पे, ओ कश्मीरी सितम बर्दाश्त करदे ने पे, ध्यान करिया जे। ओ मजा ते इस गल दे अंदर अल्लाह पाक ने ताकत दिती है, मेरे रहमान ने हिम्मत दिती है ते बंदा मजलूम दी मदद करे। इस्लाम ने भी ते ओही हुक्म दिता है ना। आओ मैं तुहानू नबी पाक दी एक हदीस सुनानी जाना, मेरे तेरे मुर्शद पाक जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी पाक ने फरमाया, हुजूर फरमांदे ने हरमाया, ओ मेरे सहाबियो मेरे परवानियो, हरमाया अपने मुसलमान भाइयां दी मदद करिया करो। अपना मुसलमान भाई अगर जालम होवे ते तां वी मदद करिया करो, अगर मजलूम होवे ते तां वी मदद करिया करो। ते मेरे नबी पाक दे सहाबा फरमांदे ने सोने मजलूम बंदे दी मदद असी करिए ए ते समझ च गल आउंदी है, पर जेड़ा जालम है जुलम पिया करदा है ओदी किवें मदद करिए। हरमाया ओ मेरे दीवाने हो ओदी मदद इस तरह है, ओनू जुलम तो रोक के ओदी मदद करिया करो, ओदे जुलम दे अंदर रुकावट बन के ओदी मदद करिया करो, एहो ही ओदी मदद है। पर आज जनाब कोई साडे ते जुलम करदे पिया सितम करदे पिया, सानू की लगे, असी ते जनाब अपनी जिंदगी गुजारीए, साडे कोल ते अपने कम्मां च वेल कोई नहीं, कोई जो मर्जी करदे ते करदा रहे। आओ मैं तुहानू इक होर हदीस सुनावां, मेरे तेरे मुर्शद पाक जनाबे मुहम्मद
गज के कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक ने फरमाया फरमाया जेड़ा बंदा अपने किसी मुसलमान भाई की तकलीफ न दूर कर दे, फरमाया अगर को मुसलमान भाई है वो तकलीफ के अंदर है, वो परेशानी के अंदर है, या जनाब किते जुलम बर्दाश्त कर दे पिया, फरमाया जेड़ा बंदा अपने मुसलमान भाई की तकलीफ न दूर कर दे, फरमाया कल कियामत का दिन होएगा, अल्लाह पाक कियामत वाले दिन ओदिया तकलीफा दूर कर देवेगा। फरमाया जेड़ा मुसलमान भाई दी तंग दस्ती दूर करन दी कोशिश करदा है, यानी के इंज कह लो जनाब एक बंदा है ते ओदे कोल कारोबार ही कोई नहीं, ओ बेचारा मारा मारा लगा फिरदा है, तंग दस्ते घर दे अंदर फाके ने, हुजूर फरमांदे ने फरमाया जेड़ा बंदा ओदी तंग दस्ती नू दूर करन दी कोशिश करदा है, अल्लाह पाक ओदे ते दुनिया आखरत अंदर आसानियां पैदा कर देंदा है, अल्लाह पाक ओदे मालो जान दे अंदर बरकत फरमांदा है। जेड़ा बंदा किसे दी तंग दस्ती नू दूर करन दी कोशिश करदा है, अगली गल सुनिया जे जरा, मेरे आका फरमांदे ने फरमाया जेड़ा बंदा अपने मुसलमान भाई दी किसी भी मौके ते मदद कर दे, अल्लाह पाक कदम कदम ते उस बंदे दी मदद करदा जांदा है। अगली गल सुनिया जे मुस्लिम दी रवायत है, हर माया जेड़ा बंदा अपने मुसलमान भाई दी पर्दा पोशी कर दे, जनाब ऐबां ते पर्दे पा जांदा है, ओदी इज्जत दा ख्याल कर जांदा है। मेरे आका फरमांदे ने कियामत दियां घड़ियां दे अंदर अल्लाह पाक ओदे अब्बां ते पर्दे पा देवेगा, अल्लाह पाक ओदी पर्दा पोशी फरमाएगा। ध्यान करिया जे जरा, एक और तुहानूं मैं हदीस सुनानी जाना, मेरे तेरे मुर्शिद पाक जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक ने फरमाया फरमाया मुसलमान और दुनिया दे जिस मर्जी कोने ते मुसलमान होवे, हुजूर फरमांदे ने मुसलमान एक जिस्म दी तरह ने, एक बदन दी तरह ने, एक जनाबे वाला जिस्म दे किसे हिस्से ते तकलीफ होवे ते पूरे हिस्से नूं तकलीफ महसूस हुंदी है, और पूरे बदन नूं पूरे जिस्म ते जनाब तकलीफां महसूस हुंदियां ने। हाय हाय, पर अज दा मुसलमान पता नहीं कित्थे चला गया, किन्ना चक्करां च पै गया, किते जनाब कश्मीर च जुल्म है, किते हिंदुस्तान च जुल्म है, किते जनाबे वाला बर्मा दे अंदर जुल्म है, किते फलस्तीन दे अंदर मुसलमाना ते जुल्म है, देश मुसलमान मोबाइलां दी टिच टिच बस करी जांदा है, इहनूं जनाबे वाला कदी ओ बकसी मुसलमाना ते जवान मैदाना दे अंदर हथियार फड़ के मेरे नबी दी मोहब्बत अगे नजर आते सन, पर अज का नौजवान है, मैं इस नौजवान के बारे की लफज बोला, मेरे को तबाह हो गया है जवान, खत्म हो गया है जवान, ये मुसलमाना का नौजवान बर्बाद हो गया, अगर को लड़की है तो तबाह हो गई है, अगर को लड़का तो तबाह हो गया, इस मोबाइल ने फड़ के तो बेड़ा गर्क कर दिता से, ये जनाब सिर्फ लगा फिर दे दुनिया च इश्क मशूकिया लड़ान च लगा फिर रात लंघ दिया ने, गैर महरम ना गप्पा इनू रात नींद नहीं पैंदी जदों तक अपनी जनाब मशूक नाल गल ना कर ले, उदों तक इनू नींद नहीं पैंदी, उदों तक इनू चैन नहीं आउंदा जदों तक किसी गंदी ते कंजरी दा मुजरा ना वेख ले, ए मुसलमानां दा नौजवान रात नू जना ए नौजवान कर दे, रात नू शराबा दी अड्डिया ते मुसलमाना दा जवान जांदा है, ये जनाब पार्टियां हुंदियां ने ते उत्ते नाच गाना चलदा है, ये मुसलमाना दे जवान ने
कदी जनाब मैदाना च हुंदे सन, एक कदी जिहाद वास्ते निकलदे सन, इन्हां दे हत्थां दे अंदर नेज़े ते तलवारां होया करदियां सन। अज सिर्फ जनाब ये नौजवान ते मोबाइल फड़िए कंबल च मुंह दिते ते रात लंघ गई है कंजर खाना वेंदियां वेंदियां, रात लंघ गई है की करदियां पबजी गेम खेडदियां खेडदियां। और गल्लां सच्चियां और रोण दी गल है और डुब के मर जाम दी गल है, खुदा दी कसम है अगले दिन तुहाडे लाहौर दे अंदर एक वाकया, और मैं आना गदी जवान मैदाना च निकल के इस्लाम दी मुहब्बत दे अंदर गैर मुसलमान नाल जिहाद कीता करदे सन, इहनू यहूदी ने ऐसा ध्याने लाया है ये सिर्फ पबजी ते गोलियां जलांदा फिरदा है, ये पबजी ते सिर्फ खेडदा फिरदा है। अगले दिन तुसा वाकया सुनिया होना तुहाडे लाहौर दा वाकया, एक नौजवान है ते पबजी दा शौकीन है, ये गेम खेडदा है इन्ना मगन ते मस्त ते इस गेम दा नशई हो गया है, इन्ना जनाबे वाला मस्त हो गया है कि गेम खेडदिया खेडदिया इन्हें अपने घर के अंदर भैणां ते भाईआं नूं कतल करना शुरू कर दिता है, अपनी मां नूं कतल कर दिता है। ऐ ते नौजवान मुसलमान दा हाल हो गया है। और नौजवानो अपनी असल ते पहचानो और अपनी हकीकत ते पहचानो और जान दियो कदी साडे वड्डे और साडे असलाफ हमारे बड़े मैदानों में हुआ करते थे। मैनू गल याद आउंदी है भई हजरत अलामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह मेरे कायद दी कबर ते रहमत फरमाए, उन्होंने फरमाया अपनी आखरी तकरीर करते आया फरमाया तुहाडे लाहौर दे चौक दे अंदर फरमाया, फरमाया कभी बदर था हम थोड़े थे आगे तादाद में ज्यादा थे लेकिन डरे नहीं थे हम जनाब वो बुजदिल नहीं थे, अल्लाह ने उन्होंने फतह दी थी। आज उम्मत मुसलमान को ताकत भी है ने, आज उम्मत मुसलमान बड़ी तादाद के अंदर है पर बुज दिल हो गई है, पर जनाब दुनिया की रंगीनी दे अंदर कितने अपने मुसलमान भाइयों की आवाज भी चज नाल बुलंद नहीं कर सकते, उन्हां दा साथ भी नहीं दे सकते, उन्हां दे नाल भी नहीं खड़े हो सकते। आओ जवानों मैं तुहानूं दसां, मैं तुहानूं अपने नबी पाक की एक मुख्तसर जी गल सुनावा, मेरे पैगंबर सुलह हुदैबिया दा मौका है, हजरत जनाब उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो मेरे पैगंबर दा नौकर और मेरे पैगंबर दा खादम लोरिया सियान करी जरा मैं हुक्मराना नूं भी पैगाम दिया, इधर जनाबे वाला इस तरह मुजाकरात करन वास्ते बैतुल्ला ते लागे गए ने, झूठियां अफवाहां फैल गईयां, हजरत उस्मान ते जुलम कीता गया है, हजरत उस्मान नूं शहीद कर दिता गया है, ते मेरे पैगंबर अंबर ने फरमाया नाल 1400 दा लश्कर, हुजूर फरमांदे ने असी वादा करने आ उदो तक इथों नहीं जावांगे जदों तक अपने मुसलमान भाई दा बदला नहीं लिलांगे। कदी मुसलमान इस तरह आया करते सन, अज चूसनिया लैके ते मुसलमान अपने कम्मां च लगा फिरदा है, अज नौजवान हत्थां च चूड़ियां पा के ते मोबाइल चलांदा फिरदा है, एक खुसरा बन के कंजरियां लड़कियां नाल रंग रंगीनियां मनांदा फिरदा है, ये अज दा नौजवान है। आ नौजवाना लाहौर वालियो इसदा गिरफ्तार वालियो, आओ मैं तुहानूं जवान वखावां इस्लाम वाले जवान वखावा, और जिन्हां दे दिलां दे अंदर जज्बा शहादत सी, और जिन्हां दे दिलां दे अंदर जज्बा इस्लाम सी, और जिन्हां दे दिलां दे अंदर जज्बा मुहब्बत सी, सोणिया उन्हां किवें अपनियां जवानियां गुजारियां, मेरे तेरे मुर्शिद पाक जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक दे कोल एक नौजवान आया है, ए नौजवान ते दा नाम हजरत अबू मरशद गनवी रजी अल्लाह ताला अन्हो। ए मेरे पैगंबर को लाया है, इन्हें आके कलमा पढ़ लिया है, मुसलमान हो गया है, ते मेरे आका इंज कोल बैठे मदीने वाले मुस्तफा दे लागे बैठा हो है। ते मेरे आका फरमांदे ने अरमाया अबू मरशद ए ते दसना इस्लाम कबूल करन तो पहले की काम करदा रहा है, किस काम दे अंदर मसरूफ रहा है। ते अबू मरशद आंदा सोनिया मैं इस्लाम कबूल करन तो पहले चोरियां करदा रहा वा, मैं चोरियां करदा रहा। ते मेरे आका फरमांदे ने अरमाया अबू मरशद चल कोई गल नहीं, असी भी तेरे को इस्लाम वास्ते चोरियां करावांगे, असी भी तेरे को ही काम लांगे। ए हैरान हो गए, ओ नबी पाक किवें काम लेंगे, हालांकि इस्लाम दे अंदर ते चोरी दी सजा है। हाय हाय मेरे पैगंबर ने इनू चुन लिया है, ते मजलूम मुसलमाना दी मदद वास्ते चुन लिया है, मजलूम मुसलमाना दी अजाब दी वास्ते चुन लिया है, मजलूम मुसलमाना दी मदद वास्ते चुन लिया है। मेरे नबी पाक फरमांदे ने अरमाया सी भी तेरे कोलो ए होई काम लवांगे। इधर जनाबे वाला हजरत अबू मरशद गनवी रजी अल्लाह ताला अन्हो नो मेरे नबी पाक ने भेजिया है, अरमाया मरशद जा मक्के दे अंदर चला जा, उथे जनाबे वाला साडे मुसलमान कैदियां नू कैद बना के ते रखिया गया है, साडे मुसलमान भाइयों नू कैद किया, वेखिया जो जवानों और जवानियां तबाह करन वाले हो, ऐ वी ते इक जवान है ना, ये मेरे पैगंबर दा नौकर है, इहदा वी ते किरदार चैक करो ना, इहदे वी ते अमाल चैक करो ना, इहदे वी ते जज्बे चैक करो ना, इहदे वी ते अफाल चैक करो ना। इधर जनाबे वाला हजरत अबू मरशद रात दियां तरीकियां दे अंदर निकल गए, ते अबू मरशद हो मेरे पैगंबर दा सहाबी है, इहदी दौड़ बड़ी तेज होया करदी सी, अबू मरशद दौड़दा बड़ी तेज है। इधर जनाबे वाला मक्के पहुंच गया, रात दियां तरीकियां, ते अबू मरशद इंज इक बाजार चो लंघदे पिया, अचानक जनाब रात दियां तरीकियां जे मरशद दी मुलाकात अपनी दौरे जाहिलियत वाली जनाब मशूका नाल हो गई है। अज दे लफ्जा च गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड दा नाम ते एडा बेहूदा ते बेगैरती वाला लफ्ज ए जनाबे वाला, अज जनाब बड़े शौक नाल यार यार नु दस दे, ओ फलां लड़की मेरी गल वा डुब के मर जा, चौदा परवीन दा इंतजार करना पिया। ओ सोनिया मैं ते आना ओरे जेड़ा नौजवान किसे दी मां भैन दे नाल, किसे दी बेटी भैन दे नाल इत्थे नु गुजारन नु लगा फिरदे, ओनू अपनी भैन दी वी फिकर करनी चाहीदी है, ओनू अपनी भैणा दी इज्जत ते हया दी दुपट्टे दी फिकर करनी चाहीदी है, किते किसे दी इज्जत ना खेलदियां खेलदियां वेखी जवाना तेरी भैन दी इज्जत नाल तू खेड ना जाए। इधर जनाबे वाला हजरत अबू मरशद दी मुलाकात हो गई है, एक औरत ने आवाज दित्ती रात दा टाइम है ए मरशद ही है। ए जनाबे वाला हजरत अबू मरशद फरमांदे ने हां मैं मरसदियां। उस जनाबे वाला उस अनाक नामी औरत सी, ओदा नाम उन्नाक सी, ए मशूका कहन लगी वे मरसद आज बड़ी देर बाद मुलाकात होईयां ने, बड़े टाइम लंबे अरसे बाद मुलाकात होई है, आ ना मरसद आज जरा को महफली फबा लवीए, आज को रात कठिया गुजार लवीए, आ ना को शराब चलेगी नाले रंग रंगीनियां ते मस्त
हस्तियां चलन गिया। आ जा मेरा बिस्तर भी तैयार है, आ जाना मेरा घर भी तैयार है, आ जाना मैं भी तैयार हाँ, आना रंग रंगीनिया च रात गुजार लिये। वाह नौजवान मरसद मैं तेरी हयात तो सदके जावा। हजरत अबू मरसद फरमाते ने हरमाते ने उन्नाग और रंग रंगीनिया ते दिन गुजर गए, एक क्यों गुजर गए। हरमाते ने नी उन्नाग उन मरसद ने मोहम्मद दी गुलामी नू कबूल कर लिया। हुण मरसद ते मुहम्मद करीम दा नौकर बन गया, हुण मरसद ते मुहम्मद करीम दा गुलाम बन गया, ते मरसद काम नहीं कर सकता। हाय हाय ओ जदों रात दी तरीकी होवे कोई वेखन वाला ना होवे ते खूबसूरत लड़की दावतां देंदी होवे पई, अपना आप पेश करदी होवे पई, ओ मैं आना उस जवान ते अल्लाह किड्डा राजी हुंदा है। उस मरसद ने जदों आखिया होएगा नी उन्नाग मैं ते हुण मुहम्मद दा नौकर बन गया, हुण मैं ते इस्लाम वाला बन गया। इस्लाम दे अंदर हराम उस बड़े चतर कीते, उस आखिया मरसद आ जा अज बड़ा जनाब मस्तियां वाली रात। मरसद ने आखिया ना ना मैं कम नहीं कर सकदा। उस बड़ियां दावतां दित्तियां, आखर औरत धमकी दे आ गई, आंदी है वे मरसद अगर तू मेरी गल ना मनी ते मैं रौले पा देंगी, मैं तेनू फड़ा देंगी। हजरत मकू मरसद फरमांदे ने हरमांदे हुण मुहम्मद दा नौकर मैनू तेरे रौलियां दी परवाह कोई नहीं, हुण मैनू किसे शहर दी परवाह कोई नहीं। इधर जनाबे वाला इन्हें रौला पा छड़िया इन्हें, ओवे ते सही ना जवाना एक किवें गुनाह तो बच देने पै, एक किवें बेहयाई तो बच देने पै, एक किवें इस गलत औरत जानिया औरत तो बच देने पै। रब ने मुकाम भी किड्डा उच्चा दिता है। इधर जनाबे वाला हजरत अबू मरसद ने जदों इन्नी गल की ना इस औरत ने रौला पा छड़िया है। ये जनाब मक्के वाले मरसद के मगर लग गए और वेखिया जे और जेड़ा जवान पहला ते जनाबे इस्लाम वास्ते आजादी दलवान निकलिया है अपने मुसलमान भाइयों नू, इधर अल्लाह मदद किवें करदा पिया। फिर जनाबे वाला इधर जनाब इस औरत ते बेहयाई दी दावत तो बचे है, अल्लाह मदद किवें कीती है। हुण मरसद अगे अगे वे ते मक्के वाले पिछे पिछे ने, असीं इहनू कैद कर लईए, असीं इहनू काबू कर लईए। इधर जनाब वाला हजरत अबू मरसद दी मदद मेरा रहमान करदा है पिया, हिफाजत रहमान करदा है पिया। इधर अबू मरसद फरमांदे ने मैं दौड़दे आंदा गड़ा वेख्या, उस गड़े ते अंदर मैं छुप के ते पै गया वा, इंज उत्तों को लंघदा ते मैं साफ नजर आउंदा सा। मैनू डर भी है सी किते मैनू वेख ना लैण, और मेरे रहमान ने ऐसी मदद की थी। रावी बयान कर दे इना जनाब मक्के वाले चो एक बंदा उत्थे गड़े ते उत्ते आके खड़ा हो के ते कज़ाए हाजत करदा है पिया, पर मेरे मरसद नूं वेख नहीं सकया। मैं रब ने उदू अन्याई कर दिता होएगा, रब ने पट्टियां ही बन छड़िया होणगियां, रब ने पर्दे ही पा दिते होणगे। ए हजरत अबू मरसद ओ मेरा रहमान हिफाजत कर दे। ओए बाहया नौजवानां दी ओ जिन्हां ते दिलां च ईमान जिहाद दा शौक नबी पाक दी मुहब्बत होवे, अल्लाह उहनां दी मदद भी कर दे ते नाले उन्हां दी हिफाजत भी कर दे। हदीस ते मैं पहला सुनाई है, और जिहड़ा किसे ए मदद वास्ते निकलिया मरसद अपने भाइयों नूं छुड़ाउण वास्ते, ते जिहड़ा अपने भाई दी मदद कर दे अल्लाह पाक कदम कदम ते उहदी मदद करदा जांदा है।
ਹੌਲੀਆ ਕੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਇਆ ਜੇ ਇਧਰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਮਰਸਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੱਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੁੜਾਇਆ ਤੇ ਛੁੜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜਿੰਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੌਰੇ ਜਾਹਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਮਿਲੀ ਪਰ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਹਨ ਵੇ ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮਿਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਕਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਧਰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਆਂਦਾ ਬਸ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੰਗ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਤੇ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰਾਂ ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੱਲੇ ਜਵਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੱਲੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦਾ ਸਕੂਨ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਨਾਬ ਗੈਰ ਮਹਰਮ ਲੜਕੀਆਂ ਬੇਅਯਾਈ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਹਯਾ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਬੇਹਯਾਈ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਗੈਰਤੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਜਨਾਬ ਨਾਈਟ ਨਾਈਟ ਮਹਿਫਲਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣਾ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਵਿਖਾਵਾਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸੁਪਾ ਸਲਾਰ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਧਰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਹਜਾਜ ਬਿਨ ਯੂਸਫ ਵਕਤ ਦਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਜਾਜ ਬਿਨ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਇਲਾ ਇਹਨੇ ਖਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹਜਾਜ ਬਿਨ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਮ ਖਤ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਆਂਦੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਓ ਲਾਹੌਰੀਓ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਹਜਾਜ ਬਿਨ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਛਿਆ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ ਪਰ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹਜਾਜ ਬਿਨ ਯੂਸਫ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਖਤ ਤੇ 1,00,000 ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਰਜਨਾ ਪੇ ਵਾਲਾ 1,00,000 ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਸੁਪਾ ਸਲਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹ ਦਰਜਨਾ ਪੇ ਲਸ਼ਕਰ ਆਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਵਾਨ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸ਼ਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ਬੋ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਤੇ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਲ ਦੀ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਿਲ ਦੀ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਿਲ ਦੀ ਅੰਦਰ ਸੋਹਣਿਆ ਸ਼ੌਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹਾਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ
शौक होया करद है, मजलूमा इंसाफ का शौक होया करद है, एहसास ते हमदर्दी का शौक होया करद है। ध्यान करिया जे, जरा गौर करते जाया जे। एक आखिरी गल सुनावा ते मैं अपनी गल नूं मुकावा। आ वेख ले मेरे वड्डियां दी तारीख की है, सोने अज असी आप इज्जत ताकदार करी जाने बे। असी पाकिस्तान दे अंदर रह के जनाब अपने मुसलमान भाइयों दियां धीआं भैणां दी इज्जत नूं ताकदार करने बे। नौजवान नस्ल यह होई ते घर दी यूनिवर्सिटियां दे अंदर इश्क मशूकियां जलदियां ने पईआं, कालजां दे अंदर इश्क मशूकियां जलदियां ने पईआं। ओ सोनिया जनाबे वाला हॉस्टलां दे अंदर जना आम हो रहा है, नौजवान लड़कियां मैं अपनी अखां नाल वेख्या है इन्हां कालजां दे अंदर। खुदा दी कसम करो हॉस्टलां दे अंदर आंदियां ने, उत्थे सिगरट भी चलदा है, उत्थे शराब भी चलदी, उत्थे जना भी चलदा है, उत्थे जनाब बाजी भी चलदी, बेहयाई भी चलदी, और गंदा किस्म दा लिबास वो भी चलदा है, जिन्हों वेख के मुसलमान बाहया उंजी शरमा जांदा है, उहदा दिल ही नहीं करदा नजर उठाउण ते। मैं नजर चुक लई ते मैं अपने रहमान नूं की जवाब देवांगा, मैं अपने रब दे सामने की किस मुंह नाल पेश होवांगा। ए मुसलमाना दा मुल्क यार चाहीदा ते सीना, ए कश्मीरी मावां ते भैणां दी इज्जत दी हिफाजत करदा, उहनां दी इज्जत दा जनाब चौकीदार ते पैरेदार बन जांदा। पर इत्थे ते मुसलमान दी मां भैण दी इज्जत ही मैं खोल रही। आओ मैं तुहानूं मदीना पाक लै चला। मदीना पाक दे अंदर एक बाजार लगदा है जिदा नाम है बनू कनका दा बाजार। उस बाजार दे अंदर जनाब एक दिन एक मुसलमाना दी औरत असरा निकली, और वेखिया जे अपने वड्डियां दी तारीख चेक करिया जे, जरा मुसलमाना दी एक औरत निकली है, ओदे हाथ दे अंदर जनाब सोने दी चीज ओनू बेचण वास्ते निकली है। इधर जनाबे वाला एक दुकान ते आके एक जगह आके इस बाजार दे अंदरों बेचन लगी है। इत्थे जनाब यहूदी भी ने, ए जनाब गैर मुस्लिम है, ए जनाब लानती ते खंजीर किस्म दे यहूदी ए भी है ने। एक यहूदी बेईमान ने असरा उस औरत दी चादर दे अंदर इस तरह कोई जनाब चीज ऐसी फंसा दी थी ताकि वो उठे ते उहदा पर्दा खत्म हो जाए, उहदे सर तो दुपट्टा लै जाए, उहदा पर्दा चाक हो जाए। इस जनाब यहूदी ने इस खंजीर ने जनाब साजिश रचाई है, ओदी चादर नू किते बन दिता है, ओदे दुपट्टे नू किते बन दिता है ताकि उठे ते पर्दा खत्म हो जाए। ओही होया ओ औरत इस तरह उठी ते पर्दा खत्म हो गया। जाने जेड़ी बाया खतून होया कर दिए ना, और जेड़ी इस्लाम वाली औरत होया कर दिए उस दिन मर जांदी अंदरों, जिस दिन उहदा पर्दा खत्म हो जांदा है, जिस दिन ओदे जिस्म दे एक हिस्से ते या अपने सर ते एक बाल ते जनाबे वाला किसे गैर महरम दी नजर पै जाए, ओ जेड़ी बाहया खतून होया करदी, सैयदा ज़हरा ते नक्शे कदम ते चलन वाली होया करदी, ओ जेड़ी जनाबे वाला हजरत अम्मी आशा दे नक्शे कदम ते चलन वाली औरत होया करदी है, सोनिया ओ अंदरों खत्म हो जांदी है। जिस दिन जनाब ओदे एक बाल ते भी किसे गैर महरम दी निगाह पै जाए। पर अज ते जनाब ए मुसलमाना दियां औरतां शादियां दा मौका है, कंजरियां नाल बुरियां बन के ते दुपट्टे उतार के उत्थे जनाब वेटर हुंदा पिया, उत्थे मूवी मेकर हुंदा पिया, उत्थे जनाब गैर महरम हुंदा पिया, उत्थे मुलाजम हुंदा पिया। ए सज्जी भी है, ए फब्बी भी है, बारीक लिबास भी पाया, जेवरात भी पाए ने, सब तो दुपट्टा भी उतरिया, ते बेहयावां दी तरह अपनी नमाज करते हुए उस हाल दे अंदर लगी फिरदी। कोई भी फंक्शन है, ए जी चाचे दा पुत्तर है, ए जी मामे दा पुत्तर है, ए साडा गवांडी है, ए फलां दुकानदार है, ए सब्जी वाला है, ए फलाणा में, एदे तो पर्दा की करना है, ए बड़ा पा डुब के मर जाए। ऐसी औरत जेड़ी ए समझदी है कि मेरा फलां लगदा है गैर महरम है, मैं पर्दा ना भी करांगी फिर भी खैर चले
है वह औरत तबाह हो जाती है बर्बाद हो जाती है कोई इबादत कबूल नहीं जे जिसे दिल के अंदर एक गल हो इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिता है हर गैर मुहरम को पर्दे ही करना है तेरी अपनी मर्जी नहीं चल सकती नहीं मेरी है माएं ते पैने ना घबराया कर मैं शादी ते जावांगी बुरका पावांगी मैं पर्दा करांगी ते मैनू आसे पासे दियां औरतां तनकीद करनगियां ओ रब दी ना फरमानी कर दिया चक दिया नहीं तू मालक दी फरमा बरदारी कर दिया शर्म महसूस करनी है भाई ना ना अपनी औरत नू बचाओ चौक बाजार ते जनाब गैर घंटे घंटे चार चार बाजारां दे अंदर ही लंघ जांदे ने याद रखिया जे औरत नू अल्लाह पाक ने हुक्म दिता है वा करना फी बुयूति किन्ना फरमाया वा करना फी बुयूति कुन्ना हर माया अपने घरां दे अंदर टिकियां रवो ए नहीं जनाब चौक बाजारां दे अंदर चौक फंक्शनां दे अंदर जिते को मजबूरी होवे जाओ ते पड़ जे जाओ ते पर्दे जे आओ महरम दे नाल जाओ ना अल्लाह ला बचो इस बेहयाई तो ते बचाओ ते यूस ना बन जाओ ध्यान करे आजे इधर जनाब इस औरत दा पर्दा उतर गया है इस औरत ने रौला पाया इस बेईमान ने मेरी इज्जत नो खराब कीता है इस बेईमान ने मेरी इज्जत ते हाथ पान दी कोशिश की थी यहूदी असन लग पे आए इथे जनाब बाजार दे अंदर एक मुसलमान मर्द मुजाहदे एक मुसलमान मर्द मुजाहद वेंदे पिया उन्हें अगे हो गए ते उस यहूदी दी गर्दनी उतार दिती है उस यहूदी दा सारी ला दिता है उन्हें दसिया यहूदी हो लानती हो जेड़ा किसे मुसलमान ते गंदी नजर दी पाएगा ते उदी नजर उदी अख नहीं कटांगे बल्कि असीं उदी जान ही कट लांगे उदी गर्दन ही ला देंगे जेड़ा किसे मुसलमान की इज्जत अदबान की कोशिश करे जरा किसी मुसलमान औरत की इज्जत को खराब करन की कोशिश करेगा उसने उसकी गर्दन ही उड़ा दी और रही दुनिया तक के यहूदियों के मुंह से तमाचा मारिया इन्हों जलील करके रख दिता और मुसलमानों की इज्जत का दिफा करके बगाया इधर जनाबे वाला इस मुसलमान ने उन्होंने कतल किया है एक कला सी इधर यहूदी रल मिल के आए तो उन्हें इस मुसलमान शहीद कर दिता है इस मुसलमान ने शहादत पा ली है सोने इस्लाम वास्ते एक मुसलमान भैन की मदद कर दें कर दें इधर जनाबे वाला ये शहीद हो गया मामला मेरे नबी बाग तक पहुंचा है मेरे आका ने नाले कत्ल के बदले कत्ल कराया है ते नाले नबी बाग ने फरमाया यहूदियो और लानतियो अज दे बाद तुहाडा कबीला मैनू मदीने च नजर ना आवे उस जनाब कबीले नू उस पूरे कनका कबीले नू नबी पाक ने मदीने कढ़ दिता है नबी पाक ने दबा दूर फरमा दिता है और सोने दसन दा मकसद एवे यारे होई ते मुसलमाना दी असल और मुसलमाना दे जवान मुसलमाना दे मर्द अपने भाइयों की मदद करते ने ए मैदाना च उतर के जिहाद करते ने मुसलमान मजलूम दे नाल खड़े हो के दस दे ने के मुहम्मद दे गुलाम कदम कदम ते अपने मजलूम मुसलमाना दी मदद करके अपने रहमान नू राजी कर देने अपने खालक नू राजी कर देने आइए सोने अपने इर्द गिर्द देखिए बेहयाई तो बचिए अपने यार नू दावत दियो भाई साडा मिशन नहीं है असा बचना है बेहयाई तो इश्क मशूकी तो बचना है असा बा हया काम करने ने असा दिल दे अंदर नबी पाक दी मोहब्बत रखनी है किसे गैर महरम दी मोहब्बत नहीं रखनी और असा अपने दिल दे अंदर शौक ए शहादत रखना है अपने मजलूम मुसलमान भाइयों की मदद का शौक रखना आज भी ऐसे नौजवान हैं मेरे अपने दोस्त कई कश्मीर के इलाके के अंदर जाके शहीद हो गए सिर्फ शौके शहादत लेके गए मजलूम मुसलमान बच्चियां बेटियां मामा बहना उन्हां दी इज्जत दा दिफा करदे आं उन्हां कश्मीर के इलाके के अंदर शहादत पाईए अल्लाह पाक मैं दर्द दिल नाल दुआ गो हां अल्लाह पाक उन्हां कश्मीरी
मुसलमानों की मदद फरमाए, जल्द उन्होंने आजादियां नसीब फरमाए और जालिमों को अल्लाह इबरत का निशान बनाए। अल्लाह को दुआए अल्लाह जो सुने सुनाया अमल की तौफीक दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।